Good afternoon, students. Myself Desh Sharma, and today in this audio, myself Desh Sharma, your English teacher, and today in this video, I am going to take your lesson 10 from your book, Your First Flight. The name of the chapter is The Sermon at Banaras. What is sermon here? Sermon here is a religious lecture, religious moral. ठीक है, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं धार्मिक उपदेश. बनारस में दिया गया महात्मा बुद्ध का, गौतम बुद्ध का religious lecture. This poem is about that. So let's start our lesson. गौतम बुद्ध 1563 BC to 483 BC began life as a prince named Siddhartha Gautama. जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म हुआ था 563 BC से. इस टाइम पे उनकी डेथ हुई और उनका बर्थ हुआ था इस टाइम पे. जैसे आपका मैथ होता है, बीच में ये जीरो होता है, इधर प्लस वन टू थ्री ऐसे होते हैं, है ना, इधर माइनस वन माइनस टू ऐसे होते हैं, इसी तरह से जो ये बीसी होते हैं वो टाइम होता है माइनस वाला. कि जो उनकी उनका बर्थ हुआ था वो हुआ था 483 में, और जो उनका डेथ जो उनका जन्म हुआ था 563 बीसी में, और डेथ हुई थी 483 बीसी में. तो जो उनका नाम था वो क्या था, सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्दर्न इंडिया. एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू स्क्रिप्चर्स, एंड 4 ईयर्स लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस. तो 12 साल की उम्र में वो हिंदू के जो होली स्क्रिप्चर होते हैं, सैक्रेड मीन्स होली, जो उनकी धार्मिक किताबें होती हैं वो पढ़ने के लिए वो 12 साल की उम्र में चले गए थे, और 10 साल के बाद वो एक प्रिंसेस से मैरी करने के लिए वापस आए. दे हैड ए सन एंड लीड फॉर 10 ईयर्स एज बिफिटेड रॉयल्टी. तो 10 साल तक बिल्कुल रॉयल फैमिली की तरह रहे, शाही परिवार की तरह रहे. एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हेड टू फोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. शील्डेड मीन्स कवर्ड. कि इस टाइम तक जो भी संसार में दुख होते हैं वो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं थी क्या दुख होते हैं क्या नहीं होते हैं, जब तक कि वो एक बार हंटिंग पे नहीं गए. जब हंटिंग पे गए तो उन्हें सबसे पहले सिक मैन मिलता है, फिर एज मैन मिलता है, फिर वो एक फ्यूनरल प्रोसेस देते हैं, अंतिम संस्कार जब हम करते हैं, अंतिम संस्कार के लिए जब हम किसी को लेके जाते हैं तो उसको कहते हैं फ्यूनरल प्रोसेसन. एंड फाइनली ए मॉन्क बैगिंग फॉर आर्म्स. आर्म्स क्या होता है, भीख मांगना जो होता है वो बैग. लास्ट में उन्होंने एक संत को देखा जो कि भीख मांग रहा था. दिस साइट सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड टू सीक इनलाइटमेंट. इनलाइटमेंट इज स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, यानी कि ज्ञान प्राप्ति. तो वो ज्ञान प्राप्ति के लिए पूरे वर्ल्ड को, अपने पूरे संसार को त्याग देते हैं और ज्ञान प्राप्ति के लिए चले जाते हैं. ही वेंडर फॉर 7 ईयर्स एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री वेयर ही वॉन्ट टू स्टे. वो 7 साल तक घूमते हैं और फिर वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं ध्यान लगा के. अंटिल एनलाइटमेंट केम, जब तक कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती वो वहीं बैठे रहते हैं. तो उनको इनलाइटमेंट कब मिली, आफ्टर 7 डेज. ही रीनेम द ट्री द बोधि ट्री. तो उन जो पेड़ था उसका नाम क्या रखा गया, बोधि ट्री. एंड बिगिन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स. एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा द वेकेंट ऑफ द इनलाइटेंड. फिर उन्हें बुद्धा कहा जाने लगा कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी. द बुद्धा प्रैक्ट हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस. जो उनका फर्स्ट सरमन था, फर्स्ट रिलीजियस लेक्चर था, वो उन्होंने कहाँ दिया, होली सिटी ऑफ बनारस. मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगेज. कि गंगा नदी का सबसे पवित्र किनारा माना जाता है. मोस्ट दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हेयर. जो उनका सरमन था उसको काफ़ी प्रिजर्व करके रखा गया और उसी को यहाँ पे शो किया गया है.
इट रिफ्लेक्ट द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनसर्क्यूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग. इनसर्क्यूटेबल समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसे समझा न जा सके, कि जो दुख है इनको कोई नहीं समझ सकता. और दुख के बारे में ही उनका वो फर्स्ट लेक्चर था. किस्सा गौतमी हैड ओनली वन सन एंड ही डाइड. किस्सा गौतमी नेम ऑफ ए लेडी, वो लेडी है, उनका एक जो बेटा था उसकी डेथ हो जाती है. वो अपने ग्रीफ में अपने डेड चाइल्ड को लेके सभी पड़ोसियों के पास जाती है, उनसे मेडिसिन पूछती है, बट पीपल क्या कहते हैं, सी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, कि वो पागल हो गई है, द बॉय इज़ डेड. एट लेंथ किस्सा गौतमी मेट ए मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट. फिर किस्सा गौतमी किससे मिलती है, एक मैन से मिलती है जो उसे कहता है, आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर thy चाइल्ड, दी मीन्स यू एंड thy मीन्स योर, कि मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए दवाइयाँ तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा पर्सन बता सकता हूँ जो दवाई देगा. एंड द गर्ल सैड, प्रे टेल मी सर हु इज इट. एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू साक्य मुनि द बुद्धा. आप बुद्धा, जिनको साक्य मुनि भी कहा जाता है, उनके पास जाइए. किस्सा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन वट विल क्योर माई बॉय. तो बुद्धा को जाकर कहते कि आप मुझे वो मेडिसिन दीजिए, दैट विल क्योर माई बॉय. द बुद्धा आंसर्ड, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड. मस्टर्ड सीड जिनको राई के बीज कहा जाता है, राई, कि मुझे एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड ला के दो. एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस टू प्रोक्योर इट, प्रोक्योर मीन्स ब्रिंग, कि उसने प्रोमिस किया कि वो ले आएगी. फिर उन्होंने कहा कि द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट ए चाइल्ड, कि तुम ऐसे घर से लेके आना जहाँ पे ना कोई बच्चा मरा हो, ना उनका हस्बैंड मरा हो, कोई पेरेंट मरा हो, यानी कि उनके घर में किसी की डेथ नहीं होनी चाहिए. आज से पहले उनके घर में किसी की डेथ ना हुई हो, ऐसे घर से आप वो मस्टर्ड सीड्स लेके आओ. पुअर किस्सा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल पीटीड हर एंड सेड, हेयर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट. बट वेन सी आस्क्ड डिड ए सन और डॉटर ए फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, दे आंसर्ड हर, अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी. कि उसको देने के लिए तैयार तो हो जाते, लेकिन जब वो पूछती कि क्या आपके घर में आज तक किसी की डेथ नहीं हुई है, तो कहते कि नहीं. अलास होता है जो शो, ये वर्ड शोविंग होता है ग्रीफ, जो ग्रीफ को शो करता है ये वर्ड, कि मरे हुए काफ़ी हैं लेकिन जो जिंदा है वो कम है. डोंट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, तो कहते कि हमें उन लोगों की याद मत दिलाओ. एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, कि ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे कोई बिलव्ड ना मरा हो. किस्सा गौतम बिकेम वियरी एंड होपलेस. वियरी क्या होता है, यानी कि टायर्ड, वो काफ़ी टायर्ड हो गई और होपलेस हो गई. एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी एज दे फ्लिकर्ड अप. फ्लिकर्ड अप मीन्स टिमटिमाना, कभी ज़्यादा शाइन करना और फिर कभी डिम हो जाना. एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, तो बैठ के आराम से लाइटों को देख रही होती है. एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रिगेन्ड एवरीवेयर, हर जगह पे डार्कनेस हो जाती है. एंड सी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट देयर लाइट्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन. तो फिर वो उसकी कंपेयरिंग करती है ह्यूमन लाइफ के साथ, कि ह्यूमन लाइफ भी में भी कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, और कभी सब कुछ बिल्कुल खत्म हो जाता है. सी थॉट टू हरसेल्फ, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं मेरी दुख में कितनी सेल्फिश रही हूँ. डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ तो सबकी होनी है. येट इन दिस वैली ऑफ डेजोलेशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टैलिटी हु हैज सरेंडर और सेल्फिशनेस, कि जो सारी अपनी सेल्फिशनेस को छोड़ देगा वही इमोर्टल हो सकता है, वही इटर्नल हो सकता है, वही शाश्वत हो सकता है. द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, कि इस संसार में जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, मॉर्टल मीन्स यहाँ पे ह्यूमन बींग्स, उनमें सभी में ट्रबल होते हैं, सभी ब्रीफ होते हैं एंड कंबाइंड विद पेन, और सब में पेन भी होते हैं. फॉर देर इज नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज हैड
बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग, और जो भी कुछ संसार में बोर्न हुआ है वो एक दिन जरूर मरेगा। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स, बूढ़े भी होते हैं फिर उसके बाद मर भी जाते हैं। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मॉर्टल्स वेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, कि मान लीजिए जैसे ये कोई पेड़ है इसके ऊपर ये फल लगे हुए हैं, जैसे जैसे ये फल तैयार होंगे फिर ये नीचे गिरते जाएंगे। उसी तरह से जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बूढ़े होंगे, और जिस दिन से वो पैदा होते हैं उसी टाइम से ये तो होता ही कि एक ना एक दिन सबको मर जाना है। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पोर्टर एंड इन बींग ब्रोकन, जैसे कि जो मिट्टी के बने हुए बर्तन वगैरह होते हैं जब कुम्हार इनको बनाता है तो उनके टूटने का डर तो रहता ही है। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इन टू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, कि चाहे कोई जैसा भी हो, चाहे स्ट्रोंग हो चाहे वीक हो, उनकी डेथ जरूर होगी। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, कि कोई भी फादर अपने बच्चे को बचा नहीं सकता, नोर किन्स मैन दे रिलेशन, ना वो अपने किसी रिलेटिव को बचा सकता है। मार्क वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, कि जो भी रिलेटिव आपको बहुत प्यार करते हैं, जो आपके लिए लेमेंट करते हैं, रोते हैं, क्राई, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, कि जैसे ऑक्स होते हैं उनको स्लॉटर हाउस में उनको मारने के लिए लेके जाया जाता है, उसी प्रकार से जो भी ह्यूमन बींग्स ने जन्म लिया है उनको एक ना एक दिन जरूर मरना है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, देयर फॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, तो जो वाइज होता है वो उनके लिए ग्रीफ नहीं करता है, उनके लिए सैड नहीं होता है, दुखी नहीं होता है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनिमल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, कि ना रोने से ना दुख करने से किसी को पीस ऑफ माइंड मिल सकता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑन द अपोजिट साइड हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र, कि दुख करने से उसकी बॉडी को ही सफ़र करना पड़ेगा, वो खुद को सिक बना लेगा, बीमार हो जाएगा, पेल वो पीला पड़ जाएगा। एट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लैमेंटेशन, क्यों चाहे कितना भी रो ले कितना भी विलाप कर ले वो डेड को वापस नहीं लेके आ सकता। ही हु स्पीक्स पीस शुड ड्रा आउट द एरो ऑफ, ही हु हैज़ ड्रान आउट ऑफ द एरो एंड हैज़ बिकम कम्पोज विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, कि वो जो व्यक्ति है जो ग्रीफ नहीं करेगा शिकायत नहीं करेगा उसी को पीस ऑफ माइंड मिल सकती है। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो, जो सभी दुख को जीत लेगा वो दुख से आज़ाद हो जाएगा और फिर वो ब्लेस्ड हो जाएगा, उसे भी भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज आवर चैप्टर एंड द मेन मैसेज ऑफ द चैप्टर इज दैट वी शुड नॉट बी सैड ओवर द डेथ ऑफ आवर बिलॉर्स आवर किन्समैन, कि जब भी हमारे किसी रिलेटिव्स की या किसी की डेथ होती है तो हमें उसका शोक नहीं करना चाहिए, हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि संसार में जो भी कुछ चीज़ आई है, जो भी कोई ह्यूमन बींग है उसने बर्थ यहाँ पर लिया है तो उसकी डेथ एक ना एक दिन जरूर होगी। नोबडी इज इमोर्टल हेयर। ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।